तो जब तुम इस वीडियो पर आकर रुके थे और जब तुमने इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक किया था ना, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें भी एवरनोट डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करने का भूत सवार है। जिनको पता नहीं है कि एवरनोट क्या है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि एवरनोट, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक नोट बनाने वाला सॉफ्टवेयर है। 500 और 1000 के नोट, 2000 के नोट बनाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं, ये लिखने वाले नोट बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू तुम अपनी लाइफ के बारे में इसके अंदर कुछ लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जिसके अंदर तुम अपने लाइफ के बारे में कुछ लिख सकते हो कि तुम्हें किसने धोखा दिया है और कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त के साथ भाग गई है। जो भी तुम लिखना चाहो वो सब कुछ तुम इसके अंदर लिख सकते हो। तुम 12th क्लास में हो या फिर कॉलेज में हो तो तुम अपने नोट्स भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हो। तो कैसे यूज़ करना है, क्या है, सब आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारी मर्जी हो तो। बाकी मैं वीडियो को लाइक करने का तो बोलूँगा तुम्हें, वो लाइक कर देना वीडियो, और शॉर्ट भी डालता हूँ मैं तो, शॉर्ट तुम देख लिया करो मेरे। एंड तुम कम्युनिटी में जाकर अगर वोट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कि कैसे तुम्हें एवरनोट डाउनलोड करना है। तो तुम्हें गूगल ओपन कर लेना है या फिर कोई सा भी ब्राउज़र जो तुम्हें ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार के अंदर तुम्हें टाइप करना है एवरनोट, एवरनोट टाइप करके इंटर मार देना है। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर जो evernote.com वाली वेबसाइट दिखेगी, जो फर्स्ट रिजल्ट दिखेगा, उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो तुम्हें यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ डिटेल, नहीं तो बोलोगे तो कुछ बताया ही नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड करवा दिया। तो यह नोट्स बनाने का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर तुम अपनी क्लास के या फिर कोई से भी नोट्स तुम्हें बनाने, प्रोडक्टिविटी का काम करना है या फिर स्क्रिप्ट लिखनी है अपने वीडियो की, अगर तुम यूट्यूबर हो तो तुम इसके अंदर कर सकते हो। तो ये इसका फ्री वाला वर्जन भी अवेलेबल है और इसका पर्सनल वाला जो पेड वर्जन है वो भी है और प्रोफेशनल भी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम फ्री वाले के साथ जाओ, क्योंकि जो इसके अंदर और इसके अंदर मिल रहा है वो कोई ख़ास नहीं है, तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा। तो इसके फीचर्स तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या बोल के बताऊँ तुम्हें। अब तुम्हें सिंपली ये जो डाउनलोड वाला बटन दिख रहा है साइड में, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर से गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हो, तुम आईफोन के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए तुम्हें सिंपली इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर से तुम्हारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं डाउनलोड फोल्डर खोल लेता हूँ। अब तुम्हारे भाई की डाउनलोड स्पीड तो बहुत स्लो है, तो वो थोड़ा टाइम लेगी डाउनलोड होने में। अब ये डाउनलोड हो चुका है तो तुम्हें सो इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे तुम सो इन फोल्डर पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा। वहीं से भी तुम इसको ओपन कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको फोल्डर में ओपन करवा लिया है। अब तुम्हें इस पर क्लिक करना है एंड ओपन पर क्लिक करना है। फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, तो तुम्हें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। कि तुम जैसे ही यस पर क्लिक करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद, तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन होगा। तो यस आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें एक्सेप्ट करना है, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके का तुम्हारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो मैं बताता हूँ अब तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर या तो गूगल से लॉगिन कर लेना है, या एप्पल अकाउंट है तुम्हारे पास तो एप्पल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। सिंपली यूज़र नेम से भी तुम लॉगिन कर सकते हो इसमें। तो मैं अभी यूज़र नेम और अपने ईमेल से ही इसमें अकाउंट बनाकर लॉगिन करने वाला हूँ। तुम्हारा अगर अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ है तो तुम अब बना सकते हो डायरेक्टली ईमेल डाल के। देख सकते हो मैंने मेरा ईमेल डाल दिया है। ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब मैंने ईमेल डाल दिया है तो पासवर्ड पूछेगा मेरे से ये, क्योंकि मैं साइन इन कर रहा हूँ। अगर साइन इन नहीं करता तो, अगर मेरा ईमेल पहले से साइन इन इसके अंदर रजिस्टर नहीं होता तो साइनअप का ऑप्शन आता है, और साइनअप में तुमसे ईमेल मांगता है, उसके बाद दो बार पासवर्ड मांगेगा एंड एक बार तुम्हारा यूजर नेम मांग लेगा। बस तुम साइनअप तो आसानी से कर ही लोगे। उसके बाद तुम्हें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक करना है।
एंड ये देख सकते हो कि साइन इन, इसके अंदर मैं साइन इन हो चुका हूँ एंड अब मेरे सामने कुछ इंटरफेस ओपन होगा। गाइस मैं बता दूँ तुमको कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेट से चलता है, मतलब इसको चलाने के लिए तुम्हें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। बिना इंटरनेट के तुम इससे चला तो सकते हो, लेकिन दिक्कत ये होगी कि तुम जो भी नोट्स बनाओगे वो तुम्हारे क्लाउड पर सेव नहीं होंगे। अगर तुम्हें क्लाउड पर सेव करवाने हैं तो तुम्हें इंटरनेट की ज़रूरत होगी इसके लिए। अब देख सकते हो कि मैंने पहले एक नोट्स बनाया था हेलो, और हेलो नाम के जो भी नोट्स था उसके अंदर मैंने लिखा था प्लीज़ सब्सक्राइब गिग्स भी तभी तो तुम मेरे कहने पे नहीं करो, इस नोट्स को देख के तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से नोट्स कैसे बनता है। तो होम पर चले जाता हूँ मैं। होम पर जाने के बाद जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, न्यू पर ये पूछेगा अगर टास्क क्रिएट करना है, नोट क्रिएट करना है, अटैचमेंट क्या लगाना है, तो मैं नोट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब नोट का टाइटल क्या रखना है, जैसे टाइटल रख देता हूँ मैं, टाइटल रख दिया जावा। एंड मुझे यहाँ पर जावा से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। ये ठीक है, मैंने नोट्स लिख दिए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे प्रोग्रामिंग को मुझे बोल्ड करना है तो मैं इसे प्रोग्रामिंग को यहाँ से बोल्ड भी कर सकता हूँ, एंड चाहूँ तो इटैलिक भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, और कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से किसी का। तुम्हारे पास यहाँ पर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे मैं जावा ए बी सी डी ई एफ जी ये मान लो कुछ पॉइंट से, अब अगर मुझे ये बुलेट लगाने हैं इनके आगे बुलेट लगा सकता हूँ, मुझे नंबर लगाने हैं तो नंबर लगा सकता हूँ, चेकलिस्ट लगा सकता हूँ। अगर मतलब मान लो तुम्हारे ये टास्क है, ये है तुम्हारे सब्जी, तुम्हें सब्जी लाना है, उसके बाद यहाँ पर है तुम्हारे पास तुम्हें नाश्ता करने जाना है, जो भी तुम्हारे जो भी टास्क हो वो बना लो एंड उसके बाद जो जो तुम्हारे कंप्लीट होते जाए उस पर क्लिक करते जाओ, इसे तो टास्क भी तुम्हारे सेव हो जाएंगे। एंड कई सारे इसके अंदर तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, अगर तुम इसके अंदर झांकोगे तो तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, और अगर तुम्हें झांकना नहीं आता है तो तुम्हें कमेंट करना तो आता होगा, तो वीडियो में जाकर नीचे कमेंट कर देना कि भाई मुझे एवर नोट चलाना नहीं आ रहा है तो इस पर एक वीडियो बना दे, तो मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा 10 मिनट का, जिसके अंदर तुम्हें भर भर के ज्ञान दे दूंगा मैं। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही था, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो तो तुम ऐसे भी नहीं देखोगे, बीच में तुम कितनी बार तो स्किप कर ही चुके हो वीडियो को। तो बस आज के इस वीडियो में यहीं पर हम समाप्त करते हैं, तो कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।